आज मैं लेके आई हूँ मसाला कचौड़ी की रेसिपी। और ये कचौड़ी मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे में। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही खासता। तो चलिए बनाना शुरू करते इस कचौड़ी को। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश करके डालिए ताकि इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है और 3 से 4 चम्मच इसमें डालेंगे देसी घी। और घी डाल के इसको मोयन करेंगे जिससे ये कचौड़ी जो है बहुत ही खासता बनेगी सच में। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से मोयन कर लिया है और कुछ इस तरीके से आप मुट्ठी बांधने पे बन जा रहा है, मतलब ये अच्छे से मोयन हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बढ़िया सा सख्त डो रेडी करेंगे कचौड़ी का, जैसे कचौड़ी का डो होता है बिल्कुल उस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा जो है आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। यहाँ पे मसाले मैंने लिया है गोल मिर्च, सौंफ, जीरा, धनिया और 2 लाल मिर्च। मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे इसे। तो यहाँ पे इसका दरदरा पाउडर रेडी कर लिया है, उसे डाल देते हैं कटोरी में। दूसरी चीज यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ मूंग की दाल। ये मूंग की दाल मैंने 1 कप लिया था। 1 कप मूंग की दाल को धो के साफ करके मैंने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। इसका दरदरा पेस्ट रेडी कर ले रहे हैं। तो बहुत ही दरदरा नहीं और बहुत महीन नहीं करना है, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। पैन में डालेंगे तेल, जो मसाले हमने रेडी किए थे। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो वो उसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे कुछ सेकंड पकाएंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना है, खुशबू अच्छी आने लगे तो बस समझ जाइए ये पक चुका है। तो अच्छे से ये पक चुका है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे दाल जो हमने पीस के रखे हैं। लगातार चलाते हुए दाल को पकाएंगे मीडियम टू लो हीट पे। जब ये पक जाए थोड़ा सा हीट को तेज करेंगे। तो ये सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं सूख चुका है, हल्का हल्का पक चुका है, तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो ये सेंधा नमक का यूज किया है। भर के 1 चम्मच में डालना है अमचूर पाउडर जिससे इसमें खट्टापन का टेस्ट आए। मसाले ऑलरेडी हमने सारे डाल चुके हैं इसके अंदर। अमचूर पाउडर डालने से इसमें खट्टापन आता है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, मतलब तीखा चटपटा ये सारा टेस्ट आना चाहिए, इसलिए इसमें अमचूर पाउडर जरूर डालिएगा। दाल रेडी हो चुका है, अब चूल्हे को ऑफ करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं दाल का कलर कितना अच्छा आया है हाथों से ठंडा होने के बाद। थोड़ा मसल लेंगे इसे। यहाँ पे जो हमने डो रेडी करके रखा था, आटा रेडी करके रखा था, वो रेडी हो चुका है। छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे जैसे हम कचौड़ी का बनाते हैं। और जो स्टफिंग है उसे हाथों से थोड़ा सा मैंने मसल लिया था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें भरेंगे। और आराम आराम से छोटी छोटी सी जैसे कचौड़ी है ना, बिल्कुल उस तरीके से बना के इसका मुंह ना बहुत अच्छे से बंद करेंगे, कोई छेद नहीं रहना चाहिए। तब जाके कचौड़ी बहुत अच्छी फूलेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी। छेद रहने से इसमें तेल घुस जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हाथों से अच्छे से दबा दबा के कुछ इस तरीके से हमें बना लेना है सारे कचौड़ी को। तो आधा हमने बना के रेडी कर लिया है कचौड़ी और आधा जब तक हम तलेंगे बना लेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, बहुत तेज तेल को गर्म नहीं करना है, थोड़ा कम गर्म करना है, एकदम हल्का सा। तो कुछ इस तरीके से हमने तेल को गर्म किया है, हीट को अभी मीडियम रखा है, मीडियम टू लो रखा है। और एक एक करके कचौड़ी को इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इसको। और ज्यादा देर में पकाएंगे तो ये कचौड़ी बहुत खास्ता बनेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने चूल्हे का हीट जो है बढ़ा दिया है और इस तरीके से चम्मच से इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे ना, तो ये कचौड़ी बहुत अच्छी फूलेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी कुरकुरी सी। तो उलट पलट के अच्छे से मैंने सारी कचौड़ी को तल लिया है, इसका कलर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैंने इसे निकाल लिया है और एक प्लेट में डालेंगे।
और ये कचौड़ी बनके हो चुकी है रेडी। बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही खास था, बहुत ज्यादा टेस्टी, तीखा, चटपटा, मजेदार। तो आप भी इस तरीके से कचौड़ी बना के जरूर ट्राई करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बाय बाय।